मम्मी मेरी फ़ोन की कि मेरा रो रही थी बहुत। उसके बाद फिर बोलती कि हमको ये मार देगा जान से, बहुत मारता पीटता। फिर से मेरे पापा देख कर गए, उसके बाद मेरी मम्मी को लगा। उसके बाद फिर अभी मम्मी मेरे एक्सपायर कर गई, तो नौकरी के लिए मतलब ये बोल रहा कि कोर्ट मैरिज किया तो ये नौकरी हमको मिलना चाहिए, जबकि उनकी बेटी है। भय और बेबसी के बीच हक की लड़ाई, ऐसी लड़ाई जो दर दर की ठोकरें खाते हुए हिम्मत और हौसले के दम पर इंसाफ की उम्मीद ढूंढ रही है। ये अनुराधा है, बिन माँ बाप की बेटी। पिता भोला कोल बेरमो कोयलांचल में सीसीएल के जारंगडी कोलियरी में काम करते थे। करीब 6 साल पहले सिर से पिता का साया उठ गया। पिता के देहांत के बाद उनके दोस्त की मदद से अनुकंपा के आधार पर माँ को स्वांग वाश्री में नौकरी मिल गई, जिससे परिवार को जीने का सहारा मिला। मेरे पापा जरंगड़ी में काम करते थे, भोला कोल नाम है उनका। उसके बाद पापा मतलब ड्रीम भी करते थे, एक लड़का था मुसलमान जात का था, उसका नाम वसीम जहां खान था। वो मतलब टेम्पू चलाता था और पापा से उसी के बीच में लोग का दोस्ती हो गया। वो घर भी आने लगा था वो लड़का, मतलब वो छोटा ही था, 10-15-20 साल का ऐसे छोटा था मेरे पापा से। उसके बाद वो घर आने लगा, दोस्ती हो गया। कुछ दिन बाद मेरे पापा मतलब एक्सपायर कर गए 2017 में। उसके बाद फिर वसीम जहाँ खान का जो पिता था उनका नाम जहांगीर खान है, उनके पिता का नाम है। तो उनके पापा बोले वो लड़का का वसीम जहाँ खान का कि हम नौकरी लगा देंगे। तो मेरे मम्मी का काम वही किए नौकरी का। उसके बाद वो 2.5 लाख रुपया लिया मेरी माँ से। जब काम हम सब हो गया तो मेरी मम्मी का नौकरी लगा यहाँ स्वांग वाश्री में। जिंदगी पटरी पर लौटी ही थी कि अनुराधा पर दुख का एक और पहाड़ टूट पड़ा। अब उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। अनुराधा की माँ ने तो सोची समझी साजिश के तहत उसकी माँ की हत्या कर दी गई। दरअसल अनुराधा के पिता के दोस्त वसीम खान की मदद से ही उसकी माँ माया देवी को नौकरी मिली थी, जिसके लिए उसने पैसे भी लिए थे। मेलजोल बढ़ा तो वसीम अनुराधा के घर आने जाने लगा। मना करने के बावजूद वसीम ने उनसे नजदीकियां बढ़ाई। अनुराधा का आरोप है कि नौकरी हथियाने की नियत से करीब 10 साल छोटे वसीम ने विधवा माया देवी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी की। शादी के तुरंत बाद शातिर वसीम ने जालसाजी करके भोला कोल की विधवा माया देवी के सर्विस बुक में पति के रूप में अपना नाम भी दर्ज करा लिया और फिर उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। तो यहाँ वो आने लगा, यहाँ भी हम लोग के साथ। तो हम मम्मी और हम बोलते थे कि तुम जाओ, तुम हम लोग का काम हो गया, तुम अपना जाओ। विदेश जाने बोलता था। कहाँ विदेश जाने बोला था? सऊदी अरब। सऊदी अरब बोली, मम्मी बोलती थी कि जाओ, हम भी बोलते थे तो नहीं जाता था। बस वो रहने लगा और धीरे धीरे हम लोग को बोलने लगा, कोई पूछेगा तो बोलना कि बहन का लड़का है मेरी माँ को, और हमको बोलना कि बोल देना मौसी का लड़का है। और यहाँ नाम बदल के वो रहने लगा, रोहित करके नाम से स्वांग वाश्री में रहने लगा, कॉलोनी में जहाँ रहने लगे। और कभी कभी जैसे ड्रिंक वगैरह करता था तो बहुत गाली गुलज करता था। हम लोग जब पेपर ऊपर मांगते थे कि हाँ जो काम लगाया, जो काम हुआ हो गया मेरे मम्मी का, सब पेपर लौटाने के लिए, तो गाली गुलज करता था ना। एटीएम वोटीएम भी सब उसी के पास था, पासबुक वगैरह सब कुछ। तुम्हारा नाम अनुराधा है ना? जी अनुराधा, तुम बोल रही कि तुम्हारी मम्मी की हत्या हुई है, इसमें क्या सच्चाई है? हम लोग को समझ नहीं आया। मेरी मम्मी का ये है कि स्वांग वाश्री में जैसे वो लोग उसको बोलते थे जाने के लिए, तो जाता नहीं था। उसके बाद फिर इसी तरह मेरा से भी लड़ाई झगड़ा होने लगा, हमको भी मार के मतलब वो भगा दिया। तो हम अपनी फैमिली के यहाँ चले गए। उसके बाद फिर ये मम्मी मेरी फ़ोन की कि मेरा रो रही थी बहुत। उसके बाद फिर बोलती कि हमको ये मार देगा जान से, बहुत मारता पीटता। कब फ़ोन की थी? मतलब कि 1 महीना जैसे मरने वाली थी उसका, 1 महीना पहले से। वसीम ने नौकरी के कागजात पर फर्जी सिग्नेचर भी करा लिया, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि माँ के निधन के बाद अनुराधा उनकी नौकरी वसीम खान को दिलवाना चाहती है।
जबकि असल में अनुराधा खुद उस नौकरी की दावेदारी को लेकर जगह जगह फरियाद कर रही है। जैसे मेरे पापा डेथ कर गए, उसके बाद मेरे मम्मी को लगा, उसके बाद फिर अभी मम्मी मेरे एक्सपायर कर गई, तो नौकरी के लिए मतलब ये बोल रहा कि कोर्ट मैरिज की है तो ये नौकरी हमको मिलना चाहिए, जबकि उनकी बेटी है। अनुराधा न्याय के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुकी है, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। फिलहाल अनुराधा को मीडिया का साथ मिला है, लेकिन जरूरी है कि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस लड़ाई में उसका साथ दें, क्योंकि सवाल सिस्टम पर उस भरोसे का है जो बेटियों को बेचारगी से बाहर निकाल इंसाफ की लड़ाई के लिए उन्हें आगे आने की हिम्मत देता है। न्यूज विंग के लिए रांची से अक्षय झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।